सर सर सर, हमारे एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए सर, हमारी तैयारी नहीं हुई है। हमें डिलीटी टॉपिक भी करने हैं, सीयूटी के बच्चे, नीट के बच्चे। सर प्लीज हमारे एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए सर, अभी नीट हम तैयारी नहीं है हमारी। अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम हुए थे, नीट के बच्चे। लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा था बच्चों कई दिन से, कि ट्विटर पर हम भी लगे हुए थे कि आपके एग्जाम थोड़े पोस्टपोन हो जाएं। पर अभी एक ऑफिशियल ने एनटीए के क्या कहा है, ये पूरा न्यूज़ देख लीजिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस फोन में, ये देखिए ये देखिए। ट्राइंग टू गेट द एकेडमिक सेशन ऑन ट्रैक, मतलब जो ऑफिशियल है उन्होंने कहा है कि हम एकेडमिक कैलेंडर को ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं और अब हम कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे, ये कहना है एक ऑफिशियल का। और ये खबर जो है एक ऑफिशियल खबर है, इसको आप ये मत समझिएगा कि ये कोई वैसी खबर है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, न्यू दिल्ली और ये मानस गोसाई की गोहाइन की वो है खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया की। देर विल बी नो चेंज इन द शेड्यूल फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चेंज नहीं किया जाएगा। अब वाइल ओवर 9.5 लाख एस्पिरेंट हैव रजिस्टर्ड फॉर सीयूईटी, 9.5 लाख बच्चों ने सीयूटी के लिए अप्लाई किया है और 18.5 लाख से ज्यादा 18.7 लाख बच्चों ने नीट के लिए अप्लाई किया है। नीट के लिए ज्यादा बच्चे क्यों अप्लाई करते हैं, क्या नीट का क्रेज ज्यादा है डॉक्टर बनने का इंजीनियरिंग से? ऐसा नहीं है, एक्चुअल में नीट में एज लिमिट नहीं है, तो बच्चे कई कई साल तक अप्लाई करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब तक तो ये था कि कोविड चल रहा था और हमें पिछले 2 साल से कई बार एग्जाम पोस्टपोन करने पड़े और हमारा कैलेंडर ट्रैक से चला गया, लेकिन अब हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे कोई भी। दे सेड अनलाइक इन 2020 एंड 2021 व्हेन एग्जाम्स हैड टू बी पोस्टपोन मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू द कोविड वेव, देयर बाई एडवर्सली अफेक्टिंग द एकेडमिक कैलेंडर्स, देयर इज नो सच रीजन दिस टाइम टू रिशेड्यूल द टेस्ट। मतलब इस साल कोई रीजन नहीं है कि टेस्ट को रिशेड्यूल किया जाए। डिमांड फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ सीयूटी एंड नीट गेन मोमेंटम ऑन ट्विटर। हमने भी इसमें बहुत कोशिश करी, कर रहे हैं, लेकिन इस खबर के बाद, इस खबर को आप दोबारा देख लीजिएगा एक बार, इस खबर के बाद बच्चों कोई मुझे लग नहीं रहा कि अब सरकार कोई इसके बारे में सोचेगी कि एग्जाम। मैंने पहले बताया था कि इस बार सीबीएसई थोड़ा अलग मूड में है, ये घूम क्यों नहीं रहा है। तो अब जो बच्चे इस बात की वेट कर रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन होगा सीयूटी का या नीट का, भाई पढ़ लो, अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, जो आपकी डेट है वही रहेंगी और पूरी तैयारी से आप लग जाइए। और यही टाइम है मेहनत करने का, सो कोई पोस्टपोनमेंट की वो नहीं है। और हाँ, सीबीएसई ने अभी तक कोई रिजल्ट की डेट नहीं बताई है, तो अगर आपको लगता है कि रिजल्ट की कोई डेट आ गई है, ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ स्पेकुलेशन है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो सीयूटी और नीट वालों, आपका कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, मेरा नीट का बैच चल रहा है जूम पर, अभी भी टाइम है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मेहनत करिए, तैयारी करिए। और अभी भी देखिए पढ़ा ही रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और बस मेरी क्लास अभी खत्म हुई है और दूसरी क्लास में लेने जा रहा हूँ, और यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, और जूम पर भी आप मुझसे नीट के लिए फिजिक्स पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।